Hey guys, hi, what's up? So welcome back to my YouTube channel Nishanani Flat and Nitty, and I am Nishanani in front of you guys. So right now I am in Patanjali, as you know guys in my previous video. तो आज मेरा last day है and आज की मैं शेड्यूल बताती हूँ कि डिस्चार्ज वाले दिन आपको क्या क्या करना होता है. बिकॉज अभी तो मैं जब आई हूँ तो क्राउड नहीं है, लेकिन जब क्राउड वाला पीरियड रहेगा लाइक गर्मी की छुट्टियाँ या फिर गर्मी का सीज़न, तो आपको थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा. तो मैं बता देती हूँ कि डिस्चार्ज जिस दिन आपका रहेगा उसके एक दिन पहले सारा काम आप करवा लेना, डिस्चार्ज पास बनवा लेना और गेट पास ले लेना. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी फॉलो अप करना होगा कर लेना, डॉक्टर से मिल लेना, सब कुछ आप एक दिन पहले कर लोगे, सो डैट डिस्चार्ज वाले दिन आपको सामान के साथ दौड़ना ना पड़े. क्योंकि आपको रूम एनी हाउ 10 से 12 के बीच में छोड़ देना है, और क्राउड रहेगा तो मे बी आपको 11 बजे एनी हाउ सामान निकालना ही पड़ेगा. तो ये सब आप ध्यान रखोगे. एंड सेकंड कि डिस्चार्ज वाले दिन में लंच तक ही आपको खाना मिलेगा, नाइट का कोई खाना नहीं मिलेगा. बाकी जो भी आपका काढ़ा वगैरह है वो आप पी सकते हो, आप बॉटल में लेके जा सकते हो. और इसके साथ ही आप सामान भी पैक कर लेना एक दिन पहले, सामान अपने पूरी अच्छी तरह से पैक कर लेना, वही चीज़ रखना जो सुबह वाले ट्रीटमेंट में आपको ज़रूरत पड़ेगी, सो डैट कि आपको परेशानी ना हो. एंड इसके साथ और क्या मैं बता सकती हूँ, रूम की कोई चीज़ टूटे फूटे ना, बिकॉज़ आपको चार्ज पे करने पड़ जाएंगे. एंड आप अच्छे से जो भी तकलीफ हुई आपको यहाँ के थेरेपिस्ट से तकलीफ हुई, या क्लीनिंग को लेके तकलीफ हुई, डॉक्टर्स को लेके, रिसेप्शन को लेके, तो आप उसकी कंप्लेन एक दिन पहले बहुत अच्छी तरह से लिख कर एक फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, ताकि आपके बाद जो लोग आएँ उनको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े. मेक श्योर गाइज एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमारा फीडबैक बहुत मैटर करता है कहीं के लिए भी. सो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना. जैसे मुझे कहीं कहीं पे रिसेप्शन को लेके बहुत दिक्कत आई, दे आर वेरी रूड इन नेचर एंड काफ़ी इरिटेटिंग होती थी, तो मैंने कंप्लेन करा एंड मुझे अच्छा वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी मिला उस चीज़ों को नज़र में रखते हुए. तो आप भी इस चीज़ को करना. एंड मैं पतंजलि वालों से भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा आप अपने थेरेपिस्ट को, मेल हो या फीमेल थेरेपिस्ट जितनी भी हैं, उनको प्लीज़ आप मास्क पहनने बोलो, बिकॉज़ वो काफ़ी बातें करते हैं, तो बातें करने के टाइम वो चीज़ अच्छा नहीं होता. मीन्स लाइक यू नो, बोलते वक्त मुंह से निकलना और सामने वालों के ऊपर पड़ना, इन्फेक्शन का खतरा रहता है. ऑलरेडी हम पेशेंट बन के आते हैं या फिर कुछ भी कराने आते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है. तो यहाँ लोग मास्क यूज़ नहीं करते हैं, थेरेपिस्ट को मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए और उनको टाइम टू टाइम ग्लव्स यूज़ करना चाहिए. ये मैं बता रही हूँ यहाँ के लिए, जो पतंजलि में मुझे दिक्कतें आईं वो मास्क यूज़ नहीं करती हैं, ग्लव्स जो पेशेंट पे ग्लव्स यूज़ करती हैं उसी उस ग्लव्स को वो चेंज नहीं करती हैं, उसी ग्लव्स को दूसरे पेशेंट पे यूज़ कर देती हैं. जो ऑयल बालों में लगता है या बॉडी में लगता है, तो आप जरा आप मीन्स पेशेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको देखते हैं कि भाई तुम रीयूज़ तो नहीं कर रहे हो उस ऑयल को या उस पाउडर को. तो आप मीन्स पतंजलि को मैं कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों पे मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा. सीरोधारा प्रोसेस में ऑयल रीयूज़ हो रहा है, जो कि मेरे साथ हुआ है. बाकी कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, मेहनत करती हैं एंड बहुत अच्छा अपना थेरेपिस्ट वर्क भी निभाती हैं, तो उनको मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी. अगर नाम भी लेना है तो मैं उनका नाम बता सकती हूँ, प्रियंका साइनी है. सी इज़ वेरी क्यूट एंड कह सकती हूँ कि वो अपना काम बहुत लॉयल्टी से करती है, बातें कम करती है. एंड अनीता है, एक दो लोग और हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. और ये भी कहना चाहूँगी कि मीन्स यहाँ के मैनेजमेंट को कि इनको रिसेप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ रिसेप्शन पर्सन आर वेरी रूड, वेरी 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 रूड. मेरा ओपिनियन तो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ख़राब गया एंड मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा गया रिसेप्शन को लेके. बहुत इरिटेट होती हैं, एक से दो बार कोई चीज़ बताना नहीं चाहती हैं, चूँकि ये कैंपस बहुत बड़ा है, सेंटर बहुत बड़ा है, बिल्डिंगे इधर उधर हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्प करने के मूड में नहीं रहती हैं, चिढ़ जाती हैं एक से दो बार पूछने पे, कुछ बताती नहीं है, कुछ भी नहीं. तो मेनली मेरे साथ फीमेल को लेके ये दिक्कतें आई, मेल पर्सन में मुझे कोई दिक्कतें नहीं आई, और तो सब ठीक था.
बाकी पेशेंट को अपना ध्यान देना होगा, पेशेंट के अटेंडेंट को ध्यान देना होगा कि आप अपना काम करवाने आए हो, अपने आप को ठीक करने आए हो, तो आप अपनी एक एक चीज़ों को ध्यान देना। रात में जब आते हो रूम पे सारी चीज़ों से फ्री होके, तो अपने जो आपका वो कार्ड बना है उस चीज़ को पढ़ो और एक स्लिप बना लो कि कल क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, किन किन से मिलना है। ऐसा क्या होगा ना, मैं ऐसे ही करती थी तो मेरी एक भी थेरेपी छूटी नहीं, एक भी सिंगल थेरेपी मेरी नहीं छूटी। मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया था। एक दिन पहले ही मैं रात में सारी चीज़ों को अरेंज करके मैं झोले में रख लेती थी, बैग में रख लेती थी, लाइक पट्टी हो गई, तौलिया हो गया, ईच एंड एवरीथिंग मैं बहुत अच्छे से झोले में रख देती थी। सुबह 4 बजे यूं निकल जाती थी सीधे। तो वो चीज़ आपको करके रखना होगा, क्या खाना है टाइम टू टाइम, क्या काढ़ा पीना है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आज मेरा लास्ट डे है, खाना खा लिया है, मैं फ्री हूँ, 1 बजे तक मैं निकल सकती हूँ, बिकॉज क्राउड नहीं है। वैसे आपको 11 बजे तक का टाइम होता है। तो लेट्स सी कि मैं आगे क्या करूँगी। मेरी टिकट बुक नहीं है तो मैं डायरेक्ट ट्रेन से, ट्रेन पे जाके TTE से ही बात करूँगी, देखती हूँ क्या हो पाता है, बिकॉज तत्काल के चक्कर में रहूँगी तो 1 से 2 दिन, क्योंकि एक दिन कल का ऑलरेडी मेरा वेस्ट गया, फिर आज का चला जाएगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मैं सीधे वहीं पे पहुंच जाऊंगी। ओके गाइस, तो यहाँ ज़रूर आओ, ये बहुत अच्छा है। नॉर्मली अगर आप पेशेंट नहीं भी हो तो बॉडी डिटॉक्स कराने मेरी तरह आ सकते हो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं पहुंच गई हूँ योग भवन। 4:30 AM हो रहा है और रामदेव बाबा जी आ चुके हैं और लोगों को हमेशा की तरह योग सिखा रहे हैं और धर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं कि मैंने आज कोई वीडियो नहीं बनाया है, लोगों से बातें करी है, कहाँ से आए हैं, क्या परेशानियाँ थी, कैसे रिकवरी हुई और फ़ायदा हुआ कि नहीं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि लगभग लोगों को, लगभग इनफैक्ट क्या कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिन्होंने बोला हो कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सबको फ़ायदा हुआ है कुछ ना कुछ। साथ ही मैं बता दूं कि ब्रेकफास्ट में मेरा डाइट जो था ड्राई फ्रूट और सूप, वो मैंने पी लिया था और उसे लेकर मैं रूम चली गई थी, बिकॉज मुझे डिस्चार्ज पेपर का काम था। चूंकि मैंने डिस्चार्ज पेपर अपना कल ही बनवा लिया था तो आज मुझे डॉक्टर को फिर से दिखाना था। इस तरह का फॉर्म भरवाया जाएगा, हेल्थ सीकर फीडबैक फॉर्मेट भरवाया जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि आपको जेन्युइनली जिस तरह की परेशानी हुई है वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसके पीछे और भी एक्स्ट्रा कुछ आपको लिखना है मैनेजमेंट को लेके तो आप लिख सकते हो। और मैं चाहूँगी कि जेन्युइनली आपको यहाँ पे तकलीफ़ हुई है या फिर बहुत अच्छा लगा है, किसी की तारीफ़ करनी हो, वो आप अपना एक्सप्रेशन ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना। ये बहुत मायने रखता है और इसको ध्यान में रखा जाता है। तो मेक श्योर गाइज, ये फालतू मत समझना, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपकी तारीफ या आपका जो भी एक कहते हैं शिकायत कंप्लेन जो है अगर होती है, तो अगर आप इसको नज़र में रख के यहाँ पे मेंशन करोगे तो आने वाले टाइम में जो दूसरे लोग आएंगे उनको ये तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल फॉर दिस। ओके, तो डिस्चार्ज वाले दिन कुछ इस तरह का पेपर दिया जाता है घर ले जाने के लिए, और यहाँ पे ये डिस्चार्ज मेंशन होने के बाद आपको होटल में आपको दिखाना होता है ये वाला स्लिप, जिससे वो आपको पास, गेट पास दे देते हैं बाहर जाने के लिए। फिर वो गेट पास आपको जाके गार्ड को देना है तो वो आपको फाइनली बाहर जाने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निशा नंदनी सब कुछ मेंशन किया हुआ है, क्या क्या यहाँ पे मैंने किया है वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे क्या तकलीफ दी वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ ये सब आप देख सकते हो, मेरा वेट कितना है वगैरह वगैरह, मुझे कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही मुझे कौन सी दवाइयाँ खानी हैं। तो ये तो मुझे यूज़लेस लगता है, जस्ट बिकॉज ओवर वेट बता के मैं डिटॉक्स करने के लिए आई थी। सो यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरह का फॉर्मेट मिला है पतंजलि वेलनेस हरिद्वार। मुझे क्या क्या करना है, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, 1 गिलास पानी पीना है, इसको रात में भिगो कर रखना है और उसको छान कर फिर सुबह पीना है। और देख सकते हो गाजर, चुकंदर, पालक, आंवला का जूस पीना है, सर्वकल्प कायाकल्प का पानी पीना है, मल्टीग्रेन खाना है और भी काफ़ी कुछ है, कब्ज होने पर गुनगुने पानी के साथ पत्नी क्या है। ओके, नेक्स्ट पेज देखती हूँ मैं, वैसे मैं भी ध्यान से नहीं देखी हूँ, आपके साथ देख रही हूँ। ओके, मुझे चावल, उड़द, चना, आलू नहीं खाना है, इससे वेट लॉस नहीं गेन होता है। और भी काफ़ी कुछ दी हुई है, दीर्घायु के सूत्र, सम प्रिंसिपल फॉर हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी,
और भी काफ़ी कुछ है, लेट्स सी, देख सकते हो, अम्लीय आहार, मांस मछली अंडा अंडा ये सब, भुने पकौड़े ये सब नहीं खाना है, ये सब अम्लीय आहार में आता है। क्षारीय आहार में आता है पीला नीला हरा लाल नारंगी बैंगनी आदि सभी प्रकार के प्राकृतिक रंग वाले ताजे फल एवं ताजी सब्जियां, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, साबुत छिलके वाले दाल, कन्नी वाली भूरे रंग के चावल, गन्ने का रस, उड़द दाल, उड़द नहीं, गुड़, शहद, छाछ इत्यादि खा सकते हैं। इसको कहते हैं क्षारीय आहार, मीन्स अल्कलाइन फूड। तो ये सब है। खैर डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उनका नाम था डॉक्टर ललित, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ, एंड कुछ इस तरह की फाइल मिलती है, ओके। और इस फाइल में मुझे पहले दिन इस तरह से मिला था, ये ओपीडी में एंट्री के लिए ये कूपन मिलता है आपको, इस कूपन के जरिए आप ओपीडी में एंट्री लोगे। सबसे पहला जो मुझे एंट्री के बाद जो डॉक्टर मिले उनको उनसे मुझे उन्होंने मुझे ये दिया, ओके। उसके बाद फिर डॉक्टर से मिली जो, और तो कंप्यूटर उनका काम नहीं कर रहा था तो मुझे रिटर्न में दिया था इस तरह से। और इधर मेरा डाइट था लिखा हुआ जो कि मुझे वहाँ खाने को मिलता था। फिर आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर मिले उन्होंने ये चार्ट दिया मुझे, दवाइयाँ एंड और, तो और फिर ये देखो ये मॉर्निंग चार्ट दिया, टाइम टेबल रूटीन दिया कि घर पे आपको इस तरह से फॉलो करने हैं, देख रहे हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों तरफ लिखा हुआ है। फिर कुछ घर पे रेसिपी का लिस्ट दिया जो कि आप घर पे बना सकते हो, पालक सूप, टमाटर सूप, मूंग दाल, पत्ता गोभी, कच्चा पपीता, हर चीज़ को बनाने की विधि यहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से दी गई है। और वहाँ मतलब जो 10-11 दिन से ज़्यादा रहते हैं उनको एक रेसिपी भी सिखाई जाती है बनाने की। और ये शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉफ्ट हनी वाटर, ये वो डाइट, मीन्स जिस तरह का वहाँ पे हमारा चार्ट लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन में जो हमारा डाइट चार्ट है इसको, ये जो शॉर्ट फॉर्म देख रहे हो ना इसको वहाँ पे डॉक्टर यूज़ करते हैं, ओके। और ये जो चार्ट है ये आपका चार्ट है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म ही है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, लिखते हैं कि इनको कौन कौन सी थेरेपी चाहिए तो वो ये शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है ताकि हम इस चार्ट के जरिए समझ पाएँ कि कौन सी थेरेपी है। और कुछ इस तरह से ये बना हुआ है, कहाँ क्या है कैसे है फेज टू का, ये देखो ये खुद रामदेव बाबा हैं। ये वाला थेरेपी मैंने भी किया था। और ये जो मिट्टी यूज़ होता है वो करीब 6 फीट नीचे ज़मीन खोदकर वो मिट्टी निकाली जाती है, तब वो जाकर हमारे बॉडी में लगाई जाती है और वो बहुत फ़ायदा करता है। और इसमें मैं बताऊँ कौन कौन सा मेरा हुआ, ये वाला हुआ अक्षी दर्पण, ये सीरोधारा है, ये पट्टी गर्म पट्टी करके कुछ है इसको पोटली कहते हैं, ये एक्वा प्रेशर भी हुआ, लीज थेरेपी भी कराई मैंने, मुझे बड़ा डर लग रहा था बट ठीक था, ये है मड थेरेपी, और ये है मीन्स इसी तरह की है ये भी, और मुझे याद नहीं है एक्चुअली इसका नाम। तो ये सारे नेचुरोपैथी मैंने करवाए। सो गाइज मैं FTC 2 में आ चुकी हूँ, वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरा थेरेपी यहाँ पे नहीं है, 5 ब्लॉक में है, पता नहीं रिसेप्शन क्यों ध्यान देती नहीं है, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं भागती भागती फिर वहाँ पे गई, आप ये देख सकते हो ये मड थेरेपी है। तो यहाँ पे मैंने अपना मड थेरेपी लेने के लिए मैं गई, और वहाँ पे एक तरह से कहो तो फ़ोन अलाउ नहीं है, आप फ़ोन नहीं निकाल सकते हो। तो आज की थेरेपी में मेरा था मर्द थेरेपी, जिसमें पूरे शरीर में कीचड़ का लेप लगाया जाता है, मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको स्टीम वॉश दिया जाता है, स्टीम वॉश के बाद ऑयल लगाया जाता है, फिर फेस मास्क लगाया जाता है, कुछ इस तरह का प्रोसेस था। इन सबको करने के बाद मैं कम्प्लीटली जल्दी फ्री हो गई थी, एंड बगल में था औषधि गार्डन पतंजलि का, जो कि मैं घूमने चली गई थी, और काफ़ी सुंदर है इसका, मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, मैं एक रिव्यू आपको जल्दी से इसमें दिखा देती हूं।
सो मेडिसिन गार्डन घूमने के बाद मेरा लंच का टाइम हो गया था और लंच आज इंक्लूडेड था, लास्ट डे डिनर इंक्लूडेड नहीं था, तो मैं लंच के लिए चली गई और आप देख सकते हो कि अभी कोई नहीं आया है बिकॉज सब थेरेपी ले रहे होंगे। और मेरा आज का लंच में थोड़ा डाइट अच्छा था, मीन्स आज के लंच में रोटी थी, सब्जी थी और केले की सब्जी थी, मीन्स अच्छा था। लेकिन यार ये मेथी, मेथी तो देना कंपल्सरी था। और आप देख सकते हो ये मरुआ के आटे का रोटी है जो कि मुझे दो रोटी अलाउ हुई थी, चूंकि ट्रैवलिंग थी तो मुझे कम डाइट नहीं दिया गया था, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बारीकी से। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, मीन्स मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगी और मैं अपने पेरेंट्स को भी लाना चाहूँगी। तो गाइज आप भी डेफिनेटली आओ, मीन्स ज़रूर आओ। और शाम को मेरी ट्रेन थी, गेट पे गेट पास दिखाकर मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी है, ट्रेन में मुझे ईजली टिकट मिल गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था कि टिकट नहीं है तो क्या करूँगी, बट टीटी के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे प्रोवाइड करा टिकट एंड आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से कटा। थैंक यू फॉर